म्योनियर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों ही थॉर की पावरफुल वेपन्स है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि थॉर की सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स दोनों में से कौन सी है। पहले बात किया जाए म्योनियर की, तो रैग्नारोक मूवी में हेला ने एक हाथ से ही म्योनियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। स्टॉर्म ब्रेकर को हेला डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर म्योनियर से ज्यादा पावरफुल है। दूसरे पॉइंट की बात किया जाए तो इन्फिनिटी वॉर मूवी में थानोस जब 6 इन्फिनिटी स्टोन से एक साथ बार करता है फिर भी स्टॉर्म ब्रेकर को रोक नहीं पाता है। स्टॉर्म ब्रेकर उसके छाती में घुस के इस मूवी में थानोस के जान लेने वाली थी। म्योनियर और स्टॉर्म ब्रेकर को उठाने की बात आई तो म्योनियर को कोई भी उठा सकता है मगर उसके दिल साफ होना चाहिए। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कैप्टन अमेरिका एन गेम में म्योनियर को उठा लिया था। स्टॉर्म ब्रेकर म्योनियर की कंपैरिजन में ज्यादा हैवी और ज्यादा डेंजरस है। किसी को भी म्योनियर के मुकाबले स्टॉर्म ब्रेकर ज्यादा घायल कर सकता है। इस बातों से साफ पता चलता है कि स्टॉर्म ब्रेकर म्योनियर से ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो की जानकारी आप लोग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर